हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जिनको इस संस्था में पढ़ने का अवसर मिल रहा है। मैं सचमुच आप सभी छात्रों को एक बहुत बड़ी बात कहना चाहती हूँ कि आपका जो यहाँ पर समय बीत रहा है या जो पढ़ने का अवसर आपको मिल रहा है वो अत्यंत अमूल्य समय है और उस समय का सदुपयोग जो है आप निश्चित रूप से कर रहे हैं और करेंगे ऐसा विश्वास मुझे है। बात रही कहानी की, जो प्रतियोगिता आज कहानी वाचन की प्रतियोगिता यहाँ पर जो रही है, कहानी जो है अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय विधा रही है साहित्य की। साहित्य की जो अनेक विधाएं हैं उनमें कहानी सबसे आकर्षित विधा है। लोगों को बहुत कहानी का आकर्षण रहता है। समाज प्रबोधन का प्रभावी माध्यम अगर हम माने तो कहानी है। बच्चों को अगर कोई निबंध के माध्यम से आप समझाने की बात करेंगे तो वो जल्दी नहीं समझ पाते, लेकिन वही बात अगर आप कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे तो वो जल्दी समझ जाते हैं। अर्थात नैतिकता की सीख जो है बच्चों को आप कहानी के माध्यम से जल्दी पहुँचा सकते हैं, इसीलिए कहानी एक सशक्त विधान है। आज कहानी ने अपना रूप बदल लिया है। कहानी आज अत्यंत लघु रूप धारण कर रही है क्योंकि समय का अभाव लोगों के पास है और इसीलिए मनुष्य का एक सरल स्वभाव यह है कि वह कम समय में बहुत कुछ पाना चाहता है। और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज लघु कथा का एक ट्रेंड आ गया है और ऐसी एक लघु कथा मैं आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ ताकि बच्चों ने बहुत सारी कहानियाँ आकर बहुत सुंदर तरीके से सुनाई है। और इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि उनको मैं भी एक कहानी सुनाऊँ। बहुत ही छोटी सी कहानी है, महिला सबलीकरण का वर्ष या महिला सबलीकरण को ध्यान में रखते हुए इस कहानी का चयन मैंने किया है। दूध कहानी का शीर्षक है। अक्सर हमारे घरों में जो दृश्य देखने को मिलता है उसी दृश्य का चित्रण इस कहानी में किया गया है। हमारे घरों में दूध जो होता है मर्दों